एक बार एक बूढ़ा सा आदमी सुबह सुबह घूमने के लिए गार्डन में गया था। घूमने के बाद में जब वो बूढ़ा आदमी लौट रहा था तो अचानक उसे पता चला कि उसने जो घड़ी अपने हाथ में पहनी थी वो कहीं खो गई है। बहुत देर तक गार्डन में ढूंढने के बाद जब उसको घड़ी नहीं मिली तो वो निराश होकर एक जगह दुखी मन से बैठ गया, क्योंकि वो जो घड़ी थी ना वो उसके दिल के बहुत करीब थी। कुछ देर बाद में उसको कुछ बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी। उस बूढ़े आदमी ने उन बच्चों को बुलाकर उनसे अपनी परेशानी बताई और उनसे मदद मांगी और ये वादा किया कि जो भी वो घड़ी ढूंढ के लाएगा वो उसको इनाम देकर के जाएगा। ये सुनते ही सारे बच्चे तेजी से उस घड़ी को गार्डन में ढूंढने लगे। बहुत देर ढूंढने पर भी वो घड़ी नहीं मिली। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा निराश हो गया और जैसे ही वो अपनी घड़ी की तलाश करना छोड़ ही रहा था कि एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में वही घड़ी लिए उसके पास में आया। ये देख करके वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और वो बहुत हैरान भी हुआ। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के से पूछा कि वो ये घड़ी ढूंढने में कैसे सफल हुआ, जबकि और इतने सारे बाकी बच्चे थे, उससे बड़े बड़े बच्चे थे, वो उस घड़ी को नहीं ढूंढ पाए थे। तो उस लड़के ने बोला कि मैंने तो बस शांति से एक जगह पर बैठकर घड़ी के टिक टिक की आवाज सुनने की कोशिश करी और उसी दिशा में घड़ी को ढूंढने के लिए मैंने अपने कदम बढ़ाए और इस तरह से मैंने वो घड़ी ढूंढ ली। तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ कि अगर वो छोटा सा बच्चा अपने मन को कंट्रोल करके, अपने मन में वो शांति ला करके, अपने विचारों को वश में करके उस घड़ी की टिक टिक को ना सुना होता तो क्या उस बूढ़े निराश आदमी को कभी उसकी घड़ी मिलती वापस? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, यानी कि अपने आप को शांत कैसे करें, अपने विचारों को वश में करने की कोशिश कैसे करें और इसमें सफल कैसे हों। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आसान नहीं है, भागवत गीता में भी लिखा है कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है पर असंभव नहीं है। तो अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। और ये चीज आप भी मानते होंगे कि अगर आपने अपने मन को वश में करना सीख लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, आज के इस मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मन को कंट्रोल करना जरूरी क्यों है और इसे कंट्रोल करने से हमें क्या फायदा हो सकता है। दोस्तों अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर बुद्धि जिसको बोलते हैं, और उससे हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और अगर इसे सही तरीके से नहीं यूज किया गया तो आपके लाइफ का सबसे डिस्ट्रक्टिव पावर ये साबित हो सकता है। खाली दिमाग शैतान का घर, पता ना आपको। इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपने स्टेबल माइंड से कुछ भी करने में हम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताऊंगा, 6 टिप्स बताऊंगा मैं आपको, जिनको आप डेली लाइफ में यूज करके, जिनको आप अपने विचारों में, अपनी जिंदगी में परिवर्तित करके अपने अंदर विचारों को शांत कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है बिलीव इन योर सेल्फ। अब आप सोचेंगे ये कैसा टॉपिक है। देखिए जब कभी हम कोई काम करना चाहते हैं और उसमें अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद पर ये विश्वास करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम कर लूंगा। मान लो आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो और अगर अपने आप को ये भरोसा दिलाएंगे आप कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, अगर आप अपने आप पर भरोसा करोगे तो आप जो चाहते हो उसको पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम खुद पर भरोसा करने की बजाय ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और घमंडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान भी होता है और आप शांत भी नहीं रह पाते हो। इसलिए आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट और जरूरत से ज्यादा प्राउडली होने की जरूरत नहीं है। आपको खुद पर विश्वास रखकर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जो भी आपने सोचा है उसी दिशा में मेहनत शुरू करनी चाहिए, तभी ये दुनिया आपको सराहेगी। आज तक जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन सबको अपनी काबिलियत पर और खुद पर पूरा दृढ़ विश्वास था कि वो जो करना चाहते हैं ना उसे वो हासिल करके रहेंगे। वास्तव में अगर हर इंसान अपने अंदर की छुपी हुई पावर्स को समझ ले कि मैं शांत रहना चाहता हूँ या मैं अपने माइंड को कंट्रोल में करना चाहता हूँ तो मैं करके रहूंगा, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक पाएगा, तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते, कौन सी सक्सेस है जो आपके कदमों में नहीं आके गिरेगी। टिप नंबर 2 है बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्ट मतलब जो हर चीज के बारे में सकारात्मक सोचता हो, जो अच्छा सोचता हो। दोस्तों सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, हमें पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए।
हमारा माइंड अनस्टेबल होने की वजह से अगर हम किसी अनफेवरेबल सिचुएशन को फेस करते हैं तो उसे अच्छा करने की जगह हम उससे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले हमें ये सोच अपने मन से हटानी पड़ेगी कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो उससे हमारा बुरा ही होगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बल्कि हमें इस अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना होगा कि किसी भी काम को करने से हमारे साथ क्या अच्छा हो सकता है। दोस्तों, कभी भी अपनी लाइफ में किसी न्यू एक्सपीरियंस को फेस करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सिचुएशन से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये सोचने की जगह अगर हम ये सोचें कि हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, और फिर एक पॉजिटिव माइंड सेट करके अगर हम काम करते हैं तो सारी दिक्कतों का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। और चाहे कितनी भी निगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ हो, आपका दिमाग शांत रहेगा, आपके विचार शांत रहेंगे और आप अपना काम करोगे। टिप नंबर 3 है, डू मेडिटेशन, ध्यान कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हमारे तनाव में रहने की वजह से हमारे दिमाग में विचारों की बाढ़ आ जाती है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। अपने विचारों को नियंत्रण में करने के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है, दैट इज मेडिटेशन। हर कोई जानता है इसके बारे में, और ये वर्ड जितना छोटा है उतना ही ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए पावरफुल भी है। अपने विचारों पर जीत हासिल करने के लिए हर कोई आपको इसकी सबसे ज्यादा सलाह देता है। अगर आपने डेली मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप कर लिया तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो आपकी ये आदत भी खत्म हो जाएगी और आप अपना कोई भी काम 100% एक्यूरेसी के साथ में कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, टेंशन करने और गुस्सा करने से ज्यादा बेहतर है कि जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढिए, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कीजिए। चिंता करने से, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। कई बार हम अपनी लाइफ में बार बार हारने की वजह से टेंस्ड हो जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं और हमारा मन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम अपने शांत मन से अपने काम को फिगर आउट करें और चेक करें कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसके बाद में आपके मन से विचारों की जो नेगेटिव सुनामी है वो कंट्रोल हो सकती है। टिप नंबर 5, कीप योरसेल्फ बिजी। देखिए, बिजी रहना और मैनेज नहीं कर पाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, दैट मीन यू आर बिजी फॉर अचीविंग योर गोल्स। और अगर एक है कि आपके पास में 2 काम है 5 काम है लेकिन आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये कोई बिजी नहीं होता, ये आपका कंफ्यूजन है। तो और आपने कहावत सुनी है कि खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। कि जब हमारे पास कुछ भी करने को नहीं होता तो हमारा दिमाग कुछ उल्टी सीधी बातों को सोचना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, जब भी आप खाली हो तो उस टाइम का यूज किसी अच्छे काम को करने में लगाएं। अब आप ये सोचेंगे कि खाली समय में भी हमें अपने आप को बिजी रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। जैसे मान लो आप एक्सरसाइज कर लिए, या उससे आप फिट भी रहोगे, आपका दिमाग भी सही काम करेगा और दोस्तों के सामने अच्छे भी दिखोगे। या फिर मान लो अपने फ्रेंड्स के साथ में बात कर ली, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर लिया। तो आप जब खाली बैठ ही नहीं रहे हो तो आपके दिमाग में फालतू थॉट आएगी कहां से। या मान लो आपने कोई बहुत अच्छी मोटिवेटिंग बुक पढ़ ली जिससे आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करो। टिप नंबर 5, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। अब ये क्या है, देखो, जैसा कि हम जानते हैं, हर काम को करने के पीछे एक मकसद जरूर होता है, और हम किसी भी काम को करते हुए उसके मकसद को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, कभी कभी हम अपने कंक्लूजन पर पहुंचने की जल्दबाजी में अपने मकसद से दूर होते जाते हैं। समझिए इस बात को, हम अपने काम तो करते हैं पर वो क्यों कर रहे हैं और किस इंटेंशन से कर रहे हैं, उससे ही हम भटक जाते हैं। और जल्दी के चक्कर में या अनस्टेबल माइंड की वजह से जो सिचुएशन सामने आती है उसके बारे में बिना सोचे समझे, विदाउट गिविंग अ थॉट, उसके कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसके कंक्लूजन पर हम पहुंच जाते हैं। तो हमें जल्दीबाजी में गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। कितनी ही प्रॉब्लम हो, कितनी भी टेंशन हो, कितना ही चाहे आपको टाइम हो गया मेहनत करते हुए, आप ये जज मत करो कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये गलत हो रहा है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नो, भले ही आपको थोड़ी दिक्कतें होगी बट आप कभी भी ऐसे ओवर एस्टिमेट मत करो, वो भी नेगेटिव वे के अंदर, कि यार ये नहीं होगा हमसे। इसलिए हमें हर सिचुएशन में अपने काम को करते हुए, अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए, आराम से सोच कर, एनालाइज करके ही कुछ भी कंक्लूड करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 6 टिप्स के बारे में सीखा। मैं जल्दी से इनको रिवाइज कर देता हूँ। टिप नंबर 1 है अपने दिमाग को शांत रखने का, अपने विचारों को शांत करने का, कि बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि आप ये कर सकते हो। टिप नंबर 2 इज बी ऑप्टिमिस्टिक, एक सकारात्मकता का आप चयन कीजिए। टिप नंबर 3 मेडिटेशन कीजिए। टिप नंबर 4 टेंशन और गुस्सा करने से बेटर है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उसकी जड़ में पहुंचने की कोशिश कीजिए। टिप नंबर 5 कीप योरसेल्फ बिजी,
बिजी रहें अपने काम के अंदर। एंड टिप नंबर 6 इज दैट डोंट जंप टू द कंक्लूजन, यानी कि चीजें ऊपर नीचे होंगी, आपको जजमेंट नहीं करना है कि ये गलत हो रहा है या गलत कर रहा हूं मैं। नो, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो भाई मुझे करना है, मींस करना है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर आप भी अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोई यूनिक टिप या ट्रिक शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।